नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित तो और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आपके लिए एक और विंटेज आइटम की एक वीडियो लेकर आया हूं जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे साथ में ही पड़ा है ये एक खूबसूरत सा रेडियो रिसीवर जो कि है सेंसुई की तरफ से जिसका मॉडल नंबर है

छाड़ नहीं की गई है फ्रंट जो है वो हमें मेटल में मिलता है एंड ऊपर का हिस्सा जो है यानी कि इसका जो टॉप है वो वुडन दिया गया है एंड नीचे जो बेस है वो हमें मेटल में दिया गया है आगे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी नोप हमें मिलती हैं तो ये जब मैं आपको इसे थोड़ा क्लोजअप में दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा एंड यहाँ अगर मैं कंडीशन की बात करता हूँ तो इसकी एज के हिसाब से अगर बात की जाए क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि फुली ओरिजिनल कंडीशन में है कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है तो एक ओरिजिनल कंडीशन जैसी इतने टाइम तक यूज किए गए चीज़ की होती है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन इसकी है थोड़े से स्क्रैचेज हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ मिल जाते हैं बाकी जो फ्रंट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लीन मिलता है नोव सभी ओरिजिनल हैं सभी साफ सुथरी दी गई हैं प्रिंटिंग जो है सभी क्लियर हमें मिल जाते हैं बाकी ये जब मैं आपको अभी थोड़ा क्लोजअप में भी दिखाऊंगा इसे तो आपको पता लग ही जाएगा कि अगर मैं पावर आउटपुट की बात करता हूं तो सेवेंटी वॉट इसकी पावर आउटपुट है पर चैनल बट इसकी जो आउटपुट है जो मैंने जब इसे चलाया है मैंने इसे यूज कर कर देखा है तो इसकी सत्तर वॉट जो आउटपुट है ना वो मुझे दो सौ के जो पावर एम्प से मिलती है उससे भी ज्यादा बेटर लगी है एक्चुअली में ये जो मेरे स्पीकर इनको चलाना किसी नॉर्मल एम्प के बस की बात नहीं है आ, मैं बहुत से एम में यूज करता हूं तो इन स्पीकर्स के लिए मुझे काफ़ी हैवी एम्प चाहिए होता है जो इन्हें चला पाता है इन स्पीकर्स को बट इसने इन्हें बहुत अच्छे से प्ले किया है और जो क्वालिटी मुझे मिली है वो बहुत बेहतरीन मिली है इस पर मैंने अपने टेनॉय के डी फाइव एंड डी को भी यूज कर कर देखा है उसमें भी जो क्वालिटी मुझे मिली है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिली है एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसकी जो डिस्ट्रॉक्शन है वो पॉइंट फोर परसेंट दी गई है बट मुझे साउंड के अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसी डिस्ट्रॉक्शन नहीं मिली जिसे कि मैं कह सकूं कि हाँ ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो इसकी डिस्ट्रॉक्शन दी गई है वो हाँ इतनी डिस्ट्रॉक्शन ये दे रहा है ऐसा फील ही नहीं हुआ बिल्कुल भी मुझे एंड साथ ही हमें फिफ्टी डी की चैनल सेपरेशन मिल जाती है जिससे कि जो स्टीरियो का इफेक्ट है वो और ज़्यादा बेटर बन जाता है तो लेफ़्ट एंड राइट का जो इफेक्ट है वो बहुत ईजिली हमें समझ आ जाता है जिससे कि एंड ट्वेंटी हर्ट्स टू फिफ्टी किलो हर्ट्स तक इसमें हमें फ्रीकवेंसी रिस्पॉन्स दिया गया है एंड फ्रेंड्स इस पर आप चार से लेकर सोलह तक यानी फोर टू सिक्सटीन ओम्स तक के कोई भी स्पीकर को यूज़ कर सकते हैं आप इसमें टोटल थ्री पेयर स्पीकर्स के लगा सकते हैं यानी टोटल आप इसमें छह स्पीकर्स यूज कर सकते हैं एंड यहाँ अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो इसका जो प्राइस है हमने रखा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज जो कि बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है इस मॉडल के हिसाब से एंड अगर आप इसे बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट यही प्राइस मिलता है बाहर से भी उसके ऊपर फिर आपको कस्टम भी पे करना पड़ता है एंड आपको वहां शिपिंग भी पे करनी पड़ती है तो मैं आपको फ्रेंड्स एक बार थोड़ा क्लोजअप इसका दिखाना चाहूंगा पहले कि किस में किस तरीके से क्या क्या चीजें दी गई हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं आपको स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूँ इसके बारे में तो उसके लिए मैं आपको इसे क्लोज अप से दिखाना चाहूंगा एक बार तो फ्रेंड्स आप क्लोजअप में भी इसे देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लुक हमें यहाँ पर मिलती है ऊपर हमें दो मीटर दिए गए हैं एक हमारा एफ एम एंड ए एम के सिग्नल के लिए है कि जिस हिसाब से सिग्नल आ रहा होगा ये मीटर उसी हिसाब से आपको शो कर देता है कि सिग्नल कम है या ज़्यादा आ रहा है यहां पर हमें ट्यून का ऑप्शन मिलता है जब भी आप एम को या एफ एम को सेट कर रहे हैं तो ये जो निडल है ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए सेंटर में होने का मतलब है कि आपके दोनों चैनल जो हैं वो बराबर चल रहे हैं एंड यहां पर हमें एक और मीटर मिल जाता है जिससे कि हम ए एम एंड एफ एम के चैनल्स को सिलेक्ट करेंगे यहां पर इसका ट्यूनर दिया गया है तो इसे हम इस तरीके से मूव कर कर जो भी चैनल आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं यहीं ऊपर अगर देखेंगे तो यहां पर हमें अलग अलग इंडिकेशंस दिए गए हैं जो कि सोर्स को बताते हैं यहाँ फ़ोनो वन फोनो टू ऑक्स एंड एफ एंड ई का हमें ऑप्शन दिया गया है जिसे भी हम यहाँ से सेट करते हैं तो ये वहाँ पर इंडिकेशन जो है वहाँ का हो जाता है इस तरीके से तो यहाँ पर हमें मिल जाता है इसे ऑन एंड ऑफ़ करने के लिए पावर स्विच यहाँ पर हमें कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि लो फिल्टर एंड हाई फ़िल्टर का है म्यूटिंग के लिए है और एक हमें लाउडनेस का ऑप्शन मिल जाता है इस तरफ हमें कुछ बटन्स मिलते हैं जो कि रिवर्स है मोनो का टेप वन एंड टेप टू के लिए दिया गया है एंड यहाँ सैनसोई की ब्रांडिंग दी गई है और इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें स्पीकर सिलेक्ट मिल जाता है जो कि ए बी एंड सी के लिए दिया गया है एंड हमें मिलता है ए प्लस बी एंड ए प्लस सी यानी आप इस पर छह स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था तो आप चाहे तो ए को चलाएं चाहे बी को चलाएं चाहे सी को चलाएं या फिर आप ए को और बी को दोनों को इकट्ठा चला सकते हैं या फिर आप ए और सी को इकट्ठा चला सकते हैं आप तीनों पेयर जो हैं वो इकट्ठे नहीं चला सकते यहाँ हमें बेस एंड ट्रबल का कंट्रोल मिलता है दोनों चैनल्स के लिए अलग अलग, अलग कंट्रोल है यहाँ पर ये यह जो आप छोटी सी नोब देख रहे हैं ये अलग चैनल के लिए है अगर आप एक चैनल में बेस कम चाहते हैं और एक में ज़्यादा चाहते हैं तो इस तरीके से आप दोनों चैनल्स को अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं तो मैं मोस्टली इसे दोनों को एक साथ ही रखता हूँ क्योंकि बैलेंस जो है वो बराबर ही रहना चाहिए हमेशा इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेवल का कंट्रोल मिल जाता है एक हमें यहाँ पर मेन वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है एंड यहां हमें मिलता है बैलेंस का कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट के लिए यहां पर हमें माइक का लेवल वॉल्यूम दिया गया है अगर आप इस पर माइक कनेक्ट करते हैं तो आप माइक का जो वॉल्यूम है यहां से सिलेक्ट करेंगे देंगे यहां पर हमें सिलेक्टर मिल जाता है यहाँ हमें माइक कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ हमें मिल जाता है डबिंग के लिए टेप आउट तो फ्रंट जो है वो कुछ इस प्रकार का हमें मिलता है एक बार मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखाना चाहूंगा सो फ्रेंड्स यहाँ इसकी बैक साइड देख सकते हैं कि बैक साइड पर हमें कुछ इस प्रकार का लुक मिलता है यहाँ पर हमें स्पीकर ए के लिए कुछ पावर इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं नीचे हमें दो ए आउटलेट मिल जाते हैं इसके साथ अगर आप कोई सी प्लेयर वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसे यहां से भी पावर दे सकते हैं यहां पर हमें दोनों चैनल्स के लिए अलग अलग फ्यूज दिए गए हैं ये हमें पावर सिलेक्टर दिया गया है अगर आप इसे इंडिया में चला रहे हैं तो आपने इससे पंगा नहीं लेना है इस तरफ हमें एंटीनास के ऑप्शन दिए गए हैं एएमए डीएफएम के लिए तो नॉर्मली कोई भी तार आप ले सकते हैं इसमें डालकर उसे एंटीना की तरह आप यूज कर सकते हैं नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो फोनो के ऑप्शन मिलते हैं आप इसमें दो टेंट टेबल्स को एक साथ यूज कर सकते हैं फोनो 1 फोनो 2 एंड एक ऑक्स का ऑप्शन मिल जाता है यहां पर भी हमें कुछ इनपुट्स मिल जाते हैं साथ में यहाँ पर हमें आप यहाँ देखेंगे तो ये प्री आउट एंड मेन इन का ऑप्शन हमें मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है ये अगर आप इसे एज आ प्री यूज़ करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं इसमें पावर अलग से लगा दूं और मैं इसे सिर्फ प्री की तरह यूज़ करूं तो आपने इन जंपर्स को बाहर निकाल देना है और वायर को प्री आउट पर लगा कर अपने पावर एम में लगा देना है अगर आपके पास में प्री कोई और है आप इसे एज आ पावर यूज़ करना चाहते हैं तो एज इट इज़ आप मेन इन में अपने प्री की जो आउट है उसे यहां पर डाल देंगे अगर आप नॉर्मली इसे इंटीग्रेटेड में ही यूज करना चाहते हैं तो आपने इन्हें इस तरीके से जंपर को कनेक्ट कर कर रखना है सो so फ्रेंड्स अभी मैं आपको इनका डेमो सुनाने जा रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा इनकी साउंड क्वालिटी के बारे में तो यहां पर मैं पूरे पूरे ट्रैक तो नहीं लगा सकता कॉपी के चक्कर में तो इसके बाकी के अगर आप और डेमो सुनना चाहते हैं कंप्लीट डेमो सुनना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उन डेमोज को सुन सकते हैं बाकी आप फिलहाल के लिए अभी यहां पर जो डेमोज मैं आपको देने लगाऊँ आप उन्हें सुन लीजिए और आप हेडफोन लगा लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा फ्रेंड आपने यहां पर इसका डेमो भी सुन लिया है सो so, डेमो आपको कैसा लगा? है? अगर आपने हेडफोन लगाए होंगे तो यकीन आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा इसके आउटपुट के बारे में आप मुझे कमेंट कर ये बताइएगा कि आपको इसकी साउंड क्वालिटी कुछ समझ में आई है और आपको ये रिसीवर कैसा लगा है क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन के अंदर है और इसकी जो एज है वो मुझसे पता नहीं कितनी याद है मुझे खुद को एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 1971 में इसे बनाया गया था और मेरा जो बर्थ है वो 85 में हुआ था सो so, मुझसे कई साल बड़ा है ये एंड इसकी जो कंडीशन है वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है सो so, प्राइस तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सो so, अगर आप में से कोई भी इसे लेना चाहता हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर मेरी टीम से बात कर सकते हैं जो भी प्रोसेस है वो अलग से बता दिया जाएगा जो प्राइस है उसमें शिपिंग एंड पैकेजिंग के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है अगर चाहें तो यहां स्टूडियो पर आकर भी इसे ले सकते हैं अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो आप इन्हें कुरियर के थ्रू भी मंगवा सकते हैं बट उसके चार्जेस जो हैं वो अलग से आपको पे करने पड़ते हैं सो so फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था एक बेहतरीन एम्प था जो कि मेरे लिए बहुत बेहतरीन था जो कि मुझे पता है एंड यकीन अगर आप भी एक ऑडियो पे लेवल के बंदे हैं विंटेज आइटम्स आपको अच्छी लगती हैं तो आपको खुद को भी पता ही होगा कि इन चीजों की क्या वैल्यू होती है अगर ये ऑरिजिनल कंडीशन में मिल जाती हैं तो इस वीडियो में फ्रेंड्स यही था तो इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करेंगे मैं फिर से मिलूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर आ, सो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और बाकी स्वस्थ रहो और मस्त रहो मैं फिर मिलता हूं अगली वीडियो में जय हिंद